हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा चैनल में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज गणपति बापा के प्रसाद बनाने जा रहे हैं, मोदक। मोदक तो आप लोग बहुत तरह के बनाए होंगे, लेकिन मैं आज अपना ट्रिक और टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छा और ट्रेडिशनल तरीके से मैं बताऊँगी, तो वीडियो के फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। जहाँ से भी आप लोग देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले चावल को आटा लेते हैं। आप चाहें तो चावल धोकर और उसको पानी को सुखा कर और मिक्सर जार में पीस कर आप मोदक बना सकते हैं, और नहीं तो मार्केट से भी आप लाना पसंद। अच्छी तरह से छान लिए हैं। देखिए, मोदक तो बहुत किस्म के बनता है, चावल के आटा के, खोवा के भी, सूजी गेहूं का आटा का भी, और नारियल बुरादा का भी बनता है। तो मैं दो टाइप के बना के आप लोग के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले चूल्हा की ओर चलते हैं। थोड़ा सा घी डालते हैं, देखिए। अब नारियल का बुरादा भून गया है बहुत अच्छी तरह से, देख लीजिए ब्राउन कलर हो गया, आप लोग के नज़र आ रहा होगा। तब इसको ट्रांसफ़र करते हैं बर्तन में, बाकी के अगले आगे काम करते हैं। चाड़ने के लिए, हम लोग चाड़ने के लिए बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो चावल के जो बना रहे हैं ना मोदक, तो उसमें 1 गिलास पानी डाले हैं, आधा लीटर, और आधा केजी चावल का आटा है, और ज़रूरत पड़ने पर डालेंगे। और इसमें घी डालते हैं 1 चम्मच, चिकनापन के लिए, और 1 चम्मच, 2 चम्मच। ये घर का घी है, एकदम शुद्ध घर का मलाई का बनाया हुआ। थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इसको पानी में उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम आटा को डालेंगे। बाकी उधर पानी गर्म हो रहा है, और इधर इलायची को निकाल के पाउडर बनाते हैं। फ्लेवर के लिए 8-10 इलायची कूटते हैं, इसको छिलका निकालते हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा को डालते हैं। चलाते रहेंगे। चूल्हा को फ्लेम को बंद कर दिए हैं। अब इस तरह से इसको मैं मिक्स करते हैं। मेरा फिगर भी दिखा दीजिए। थोड़ा इसमें पानी और मुझे कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी, ऊपर से गर्म है आटा अभी, तो आप डाल सकते हैं। हाथ से छींटा मार रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और इसको फिर मिक्स करते हैं। इस तरह से भी है आटा, पानी अच्छी तरह से पी लिया है। अभी इसको ठंडा होने के लिए वेट कर रहे हैं, इसके बाद में इसको मसालेंगे। तब तक दूसरा काम करते हैं, इसको फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसको रखते हैं साइड में, और दूसरा कढ़ाई को चढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, तो इसको थोड़ा सा खलबट्टा में कूट लेते हैं। आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं।
साथ में डाल के कूट देते हैं। तो पैन मेरा गरम हो गया है, अब इसमें एक चम्मच घी डालते हैं और इसमें गुड़ डालते हैं। ये मोदक मैं बना रही हूँ तो गुड़ और नारियल का बुरादा और कुछ ड्राई फ्रूट से फिलिंग तैयार करूँगी। तो गुड़ का पाउडर है, हल्का इसको मेल्ट होने तक हमको इसको चूल्हा पर रखना है और एकदम फ्लेम को लो रखना है। ये गुड़ का पाउडर लिए हैं, आप चाहे तो ये बड़ा वाला जो भेलिया होता है उस गुड़ में भी बना सकते हैं और आप चाहे तो चीनी में भी बना सकते हैं, फिलिंग को तैयार कर सकते हैं। लेकिन गुड़ में जो टेस्ट रहेगा वो चीनी में नहीं रहेगा, क्योंकि गुड़ वाला टेस्ट जो रहता है ना दोस्तों वो बहुत अच्छा होता है और गुड़ अच्छा भी है चीनी से और हेल्दी भी है गुड़। इसलिए गुड़ में ज़्यादा ही कोई आइटम आप बनाएं तो गुड़ में बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई नहीं किए हैं, ऐसे ही डाल रहे हैं। इसमें साथ में घुल मिल जाएगा और फ्लेवर के लिए इलायची इसमें डाल दी और नारियल भूंज के रखे थे इसको भी इसमें डाल देते हैं। ये मैं दो मोदक के लिए बनाए हैं, एक बार एक साथ में पीस ली इसको भून लिए हैं तो 50-50 कर देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से एकदम लो फ्लेम पर मेल्ट होने तक चलाएंगे। अब मिश्रण तैयार हो गया है फिलिंग करने के लिए मोदक में। अब थोड़ा आटा को गूंद लेते हैं अच्छी तरह से और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब इस तरह से आटा को रद लिए हैं मसल मसल के, देखिए एकदम चिकना हो गया है। हाँ दोस्तों, तो चावल के जो मिश्रण बनाए थे ना आटा मोदक के लिए, वो मैं तीन को कलर बनाई हूँ, तीन कलर के, थोड़ा सुंदरता के लिए। एक सफ़ेद हो गया, एक हरा हो गया गुलाबी और पीला। तो इसको कैसे करना है कि थोड़ा थोड़ा मिश्रण हम लेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा लंबा इसे बनाएंगे इस तरह से और रखेंगे, सब में से कहो लेंगे इस तरह से, थोड़ा इसमें भी लेंगे। एक कलर है ना दोस्तों कि एक एक कलर एक ही मोदक में, सॉरी एक ही मोदक में मेरा चार कलर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंगे सफ़ेद वाला इस तरह से, इस तरह से, और पहले ये सांचा को घी लगा दिए हैं और इसमें डालेंगे, सटा सटा के डालेंगे, ज़्यादा होगा तो काटेंगे आप थोड़ा काट। बड़ा हो गया है, थोड़ा काट रहे हैं दो कलर ही में और दो कलर इसमें सेट करते हैं इस तरह से, चार कलर और इस तरह से हम बंद करेंगे इसको, इसे चाँपेंगे। अभी बाकी के मिश्रण को निकालेंगे, फिर इसमें बीच में हॉल बनाएंगे फिलिंग करने के लिए। इस तरह से उंगली की सहायता से इस तरह से बनाएंगे, जितना इसका स्पेस है वही हिसाब से इसमें हॉल बना दिए हैं और इसमें फिलिंग को भरते हैं। थोड़ा सा इस तरह से दबा दबा करके और इसको बंद कर देंगे। इसे थोड़ा आटा लेंगे और इस तरह से
और इस तरह से खोलेंगे। तरह से देखिए सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा बनाया हुआ मोदक इस तरह से लग रहा है आप लोग के। और एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा दोस्तों, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस कंट्री से देख रहे हैं सावित्री सिन्हा किचन के वीडियो, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बता रहे हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर तैयार होता है और एकदम ट्रेडिशनल सुपर ये रेसिपी है। ये भगवान का प्रसाद, रेसिपी तो नहीं बोलते, भगवान का प्रसाद। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, सुंदरता के लिए कलर दिए हैं तो इसी तरह से बाकी को बनाते हैं। और ये छोटा वाला साँचा है तो इसको मैं भी इसी तरह से आप लोग के फिलिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें घी लगा देते हैं। इस तरह से और एक एक कलर के आटा भरेंगे क्योंकि इसमें चार गो नहीं आएगा दोस्तों, चारों कलर बहुत छोटा है, इसमें दो कलर आएगा। इस तरह से अब इसको बंद करते हैं इस तरह से। और इसको सबसे पहले इस तरह से दबाएंगे, दबा करके दोनों मुंह को एक डिज़ाइन को बनाएंगे स्पेस को। और इस तरह से जो भी बाकी का इस तरह से पहले निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा हॉल बनाएंगे बीच में, उसी तरह से बनाना है इस तरह से। आपको हॉल बनाने वाला कोई अगर उस तरह के लकड़ी का हो तो उसे आप बना सकते हैं, गोल चाहिए बनाने के लिए। आपको भोग लगाइए, उनका लड्डू वाला प्रसाद मोदक वाला बहुत उनका पसंद है और बहुत खुश रहते हैं। अब इस तरह से इसको मुंह को बंद कर देंगे इस तरह से, ऐसे सब। आटा कम लगेगा तो हम बाहर से लेकर के इसमें बंद कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से दबा दबा के और हम इसको पैक करेंगे। खोल के देखते हैं, देखिए इस तरह से खुल गया है। थोड़ा थोड़ा पतला है इसलिए मुँह इस तरह से, अगर फट जाए तो बंद कर दीजिए। मिश्रण थोड़ा और गीला चाहिए तो इसमें अच्छा बनेगा, लेकिन मैं इसी तरह से बना रही हूँ। एकदम सहायता से निकालेंगे इस तरह से, देख लीजिए इस तरह। तो सारा को निकाल देते हैं और एक इस तरह से मिश्रण को उठाइए और गोल बनाइए एक बॉल की तरह, और इसमें उंगली से हॉल करेंगे जैसे हम लोग लिट्टी बाटी बनाते हैं ना उस तरह से, चुकिया की तरह इसको बना करके स्पेस बनाएंगे इसमें इस तरह से। इसको हाथ से बनाएंगे बिना साँचा के, इसे मिश्रण डालेंगे इस तरह से, फटाफट बंद कर देंगे। आपको पास साँचा नहीं है तो आप बिना साँचा के भी बना सकते हैं इस तरह से डिजाइन। ज़्यादा कोई इसमें मेहनत नहीं है, आप चम्मच के डांटी से भी इसको डिजाइन आप बना सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। है ना दोस्तों। तो आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाथ का बनाया हुआ और साँचा से दोनों में कितना डिफरेंस है, वो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा दोस्तों। बाकी के सब बनाते हैं और एक डिज़ाइन आप लोग के बता रहे हैं। जैसे आप लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ ड्राई फ्रूट के डेकोरेट करें तो डेकोरेट करने के लिए पिस्ता है, तो सबसे पहले इसमें डाल दीजिए पिस्ता और इसमें डाल दीजिए बादाम का कतरन इस तरह से। तब इसमें हम ये मिश्रण को भरेंगे इस तरह से।
ऐसे भरेंगे, एक साइड से ऐसे डालेंगे इस तरह से, और से चाप देंगे, जो कि मेरा डेकोरेट के जो डाले हैं बादाम का तरह अच्छी तरह से पकड़ ले इस तरह से, और दोनों मुंह के इसे जोड़ेंगे, फिर इसको इस तरह से काट लेंगे और इसमें हाथ से बहुत अच्छा से दबा के इसको रखना है, ना तो छूट जाएगा तो आपका मुंह ख़राब ही हो सकता है। और इसे उंगली की सहायता से इसे स्पेस बनाएंगे, फिर इसमें फिलिंग करेंगे। तो देखिए ना दोस्तों, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन मार्केट से बहुत अच्छा घर का बनाया हुआ कोई चीज़ होता है, तो हम लोग क्यों ना अपना फैमिली को और गणपति बप्पा को भोग लगाएं और अपना फैमिली को खिलाएं घर का बनाया हुआ किसी भी वस्तु, किसी आइटम घर पर ही बनाने का कोशिश करें। और मार्केट जाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आजकल बीमारी एक से एक आ रहा है और सब मार्केट के खाना खाने से ही हो रहा है। इस तरह से हो गया, अब इसको खोल देंगे। ये लॉक कैसे बना रहेंगे, इस तरह से खोल देंगे, देखिए हो गया ना डेकोरेट, देख लीजिए। इसी तरह से छोटा छोटा ट्रिक है, और थोड़ा सा ध्यान देके सावधानी से आप लोग बना सकते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। हम लोग तो वीडियो बनाते समय वीडियो अपना देखते नहीं है दोस्तों, लेकिन बाद में देखते हैं वीडियो तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि कैसे यार बन गया इतना अच्छा वीडियो, मैं सोची नहीं थी इतना अच्छा बनेगा। तो अब इसको स्टीम करते हैं, इसको कोई मतलब ऑयल में नहीं छानना है, इसको स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। तो सारा मोदक मैं गढ़ लिए हैं, बना लिए हैं, अब इसको स्टीम करते हैं। कैसा लग रहा है आपको बताइएगा ज़रूर। अब आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से एक और आइटम बताते हैं मोदक के, एकदम यूनिक है। तो दूसरा मोदक मैं बना के आप लोग को दिखा रही दोस्तों, एकदम एकदम मिनटों में बन जाता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लिए हैं, और बर्तन में एक फ्राई किया हुआ, एक भुंजा हुआ नारियल बुरादा है, तो इसमें डालते हैं। इसके बाद में इसको मैं मिल्क पाउडर डालेंगे, आपको जितना मन है उतना डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर डालने से ख़राब नहीं होगा। 3 चम्मच इस चम्मच से डाले हैं, और इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाल रहे हैं। पिसी हुई चीनी, मीठा के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि ये दूध और नारियल बुरादा तो मीठा रहता ही है। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, और पूरा भर के 1 चम्मच आप बस देखते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैश कर देते हैं इस तरह से, और इसको गर्म दूध में इसको सानना है आटा की तरह। एकदम गर्म दूध लिए हैं, धीरे धीरे डालेंगे और इसको मसलेंगे इस तरह से, एक आटा की तरह इसको डो बनाना है। एक आटा की तरह इसको डो बना लिए हैं। इतना डो बनाने में इस चम्मच से 2 से 3 चम्मच दूध लगा है, और मिश्रण बनकर तैयार हो गया है, और बहुत एकदम ये ट्रेडिशनल है, एकदम इमेजिंग, और एकदम मिनटों में बन जाता है। जब भी चाहे आप बना के खा सकते हैं, गणपति बापा के भोग लगा सकते हैं, या ऐसे भी घर में पूजा पाठ करते हैं तो आप बना के भोग लगा के भगवान के आप अपना प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा ना, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो के माध्यम से हम इसमें 3 आइटम के आपको बना के मोदक दिखाए हैं। तब इसको अब कुछ नहीं करना है, बस मोदक के शेप दे देना है। तो चावल वाला जो मोदक है ना दोस्तों, वही वाला ये चावल का मोदक, इसको स्टीम करना है, जैसे हम लोग इडली खाते हैं ना बना करके, उसी तरह से इसको स्टीम करना है। तो कोई जाली वाला बर्तन में आप भगोना में पानी रख करके, ऊपर से जाली रख करके, और जाली के ऊपर आप एक एक करके लाइन से लगा देना है इसको। तो उसी तरह से हम इडली के सांचा ले लिए हैं,
इसी में हम रख के इस तरह से अब स्टीम करेंगे। एक एक करके बड़ा वाला रखेंगे, दो नहीं आएगा, एक दूसरे में सड़ जाएगा तो दिक्कत होगा। इस तरह से बस लगाते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा तीन तीन वो रखे हैं, बड़ा वाला भी कुछ बड़ा है इसे तो भी तीन तीन वट गया है, और बाकी इस तरह से रखे हैं। और सबसे ऊपरला भाग में ये रखे हैं बड़ा वाला, ये थोड़ा बड़ा है तो उसको तह परतह लगाएंगे तो इसका जो डिजाइन बना हुआ है ना ऊपर का मुँह, वो चिपक सकता है। तो इस तरह से बैठा देना है एक एक करके। तब इसको स्टीम करने के लिए रख दिए हैं, पानी पानी खोल रहा है, अब उसमें रखते हैं। स्टीम होने के लिए बैठा दिए हैं और दूसरा वाला को भी बना लेते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए इस तरह से रखेंगे मिश्रण को, यानी ड्राई फ्रूट को, एक में पिस्ता और एक में बादाम, इस तरह से लेंगे। इसमें कुछ नहीं भरना है, फिलिंग नहीं करना है, ये मिश्रण इसी तरह से बनता है। मोदक डायरेक्ट मिश्रण बना लीजिए सब मिक्स करके जैसे बता रहे हैं। और आपको ऐसे इसमें अंदर ड्राई फ्रूट डालना है साथ में तो डाल सकते हैं मिक्स करने के लिए, लेकिन इसी तरह से बनाइएगा। बीच में आपको मन है तो भरिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वरना तो इसी तरह से एकदम प्लेन रहने दीजिए अंदर। और इसी में साथ में ड्राई फ्रूट डाल करके और आटा के साथ गूंद दीजिए, सॉरी मिश्रण के साथ गूंद दीजिए जो हम बना के रखे थे ना, या नारियल के बुरादा वाला, इस तरह से इसको कर देंगे। है ना आसान ट्रिक दोस्तों, इस तरह से। इसको थोड़ा सा काट देंगे, एकदम इसको इसी तरह से रखना है। बाकी के बनाते हैं इसी तरह से। तो सारा मोदक हम बना लिए हैं दोस्तों। ये जो बना रहे थे नारियल वाला, देखिए कैसा लगा आप लोग के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मेरा सारा रेसिपी बनाया हुआ कैसा लगा, और सावित्री सीना किचन के वीडियो देखिए और मुझे फॉलो कीजिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। बाकी के आगे के प्रोसेस आगे दिखाते हैं। तो मोदक मेरा सब स्टीम हो गया है दोस्तों मेरा, और देख लिए इस तरह से बड़ा छोटा सब साइज के बना है। आप लोग का कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसी गणपति बप्पा के लिए मोदक तैयार है दोस्तों। तो आप लोग के कैसा लग रहा है गणपति बप्पा के प्रसाद, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सावित्री सीना किचन को ज़रूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गणपति बप्पा मौर्या।